ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, 14 मार्च दिन रविवार शाम 5:50 पर सूर्य देव कुंभ राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर सूर्यदेव अगले एक माह तक यानी 13 अप्रैल 2021 तक मीन राशि में ही सूर्यदेव भ्रमण करने वाले हैं। तो इसका प्रत्येक राशि के ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। वैदिक ज्योतिष में इस घटना को संक्रांति कहा जाता है और मीन राशि में सूर्यदेव का प्रवेश हो रहा है तो मीन संक्रांति इसको कहा जाएगा। तो इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो देखिए, वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव का विशेष गहरा महत्व है। इनको शुभ ग्रह कहा गया है और सभी ग्रहों में इनको राजा कहा गया है, राजा की पदवी प्राप्त है। सूर्यदेव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक ग्रह माना गया है। किसी भी व्यक्ति की जब जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाता है, उस व्यक्ति का आत्मबल, निर्णय लेने की क्षमता, सम्मान प्राप्ति होगी या नहीं होगी, सरकारी क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी, यह सारी स्थितियां सूर्यदेव को देखकर ही जाना जाता है। कुंडली पर यदि सूर्यदेव बली होते हैं तो व्यक्ति में लीडरशिप क्षमता, आकर्षण क्षमता काफी ज्यादा होती है। व्यक्ति सम्मान को प्राप्त करता है, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में वर्चस्व बनाता है। जन्म कुंडली पर सूर्य पीड़ित हो जाए तो जीवन में कई प्रकार की निराशा का सामना करना पड़ता है। अनायास क्रोध उत्पन्न होता है। सूर्य के पीड़ित होने पर पिता से संबंध खराब हो जाते हैं और स्वास्थ्य में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सूर्यदेव को क्षत्रिय वर्ण, लाल रंग और पूर्व दिशा का प्रतीक माना गया है। सूर्यदेव को चंद्रमा, मंगल, गुरु ये सूर्यदेव के मित्र ग्रह माने जाते हैं। शनि, राहु, केतु शत्रु ग्रह माने गए हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं मीन राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पढ़ने जा रहा है। तो आपके राशि के स्वामी जो मंगल देव होते हैं, सूर्य देव के परम मित्र माने जाते हैं। आपके राशि में जो यह फलादेश होगा आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित होगा। तो आप इसे इसी आधार पर यदि देखने का प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में यह बातें शत प्रतिशत लागू होगी। सूर्य देव का आपके राशि के पंचम हाउस में प्रवेश होने जा रहा है। पंचम भाव से बुद्धि, शिक्षा, प्रेम संबंध, संतान, इन सब के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में सूर्यदेव का प्रवेश होने से वृश्चिक राशि वाले जातक इस समयावधि में श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण करेंगे। आपको जीवन में मनचाही सफलता देखने के लिए मिलेगी। जीवन में यह गोचर आपके कई प्रकार के संभावनाओं को लेकर आने जा रहा है। नौकरी प्राप्ति के लिए यदि आप निरंतर संघर्षरत हैं, उनमें आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने जा रही है। सूर्यदेव का पंचम हाउस में गोचर होने से इस समयावधि में प्रेम जीवन में संलग्न जातकों को यह सलाह दी जाती है कि आपकी वाणी में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, जिससे आप अपने प्रेमी के साथ बेहतर स्थितियों का निर्माण नहीं करेंगे। रिश्ते में तनावपूर्ण स्थितियों का निर्माण आप कर सकते हैं। इस पर आपको पूर्ण रूपेण ध्यान रखकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में आपका ऊर्जा स्तर, संचार कौशल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। आप अपने भावों को, अपने विचारों को जीवन में अच्छी तरह से लोगों के सामने व्यक्त करने में सक्षम होने वाले हैं। आपके बुद्धि में, दृढ़ निश्चय में काफी बढ़ोतरी होगी। आपके मनोबल में काफी बढ़ोतरी होगी, जिससे हर प्रकार की बेहतर स्थितियों का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में करते हुए आप नजर आएंगे। व्यापारिक जीवन में यदि आप संलग्न हैं तो व्यापार में बड़ा प्रदर्शन आप करते हुए नजर आने वाले हैं। इस समयावधि में संतान के लिहाज से अगर आपको जानकारी दें तो संतान के स्वास्थ्य पर आपको पूर्ण रूप में ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में आपका स्वास्थ्य पूर्ण रूप में ठीक रहेगा, जिससे जीवन में किसी भी प्रकार की यदि पूर्व में समस्याएं स्वास्थ्य की दिशा में चल रही थी, उससे आप उभरते हुए नजर आएंगे। तो ये रहा वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर सूर्यदेव के परिवर्तन का प्रभाव। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जिसको करके आप पीड़ित सूर्य के सभी प्रभाव को जीवन से दूर कर सकते हैं। तो यदि जन्म कुंडली पर सूर्यदेव पीड़ित हो जाते हैं तो पिता से संबंध खराब होता है,
और अभी हमने पूर्व में जो आपको लक्षण बताए यह सभी लक्षण जीवन में दिखाई देने लगते हैं। तो देखिए, प्रत्येक दिन सूर्योदय के पूर्व आपको सोकर जरूर उठ जाना चाहिए और ओम सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप कर सकते हैं या सूर्य नमस्कार आप जरूर कर सकते हैं। रविवार के दिन सूर्यदेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए गरीब और सहाय व्यक्ति को सफेद वस्तुओं का दान करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है, जिसमें से आप कंबल दुग्ध दान कर सकते हैं, साथ में सफेद चीजों का शक्कर का दान किया जा सकता है। सूर्यदेव के शुभ प्रभाव को अर्जित करने के लिए आपको अपनी वाणी के द्वारा बेहतर संभावनाओं का निर्माण करना है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद को जीवन में किसी भी व्यक्ति से करने से आपको बचना है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम।